हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आउजा टेक्निकल लर्न पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ फ्यूजन 360 के अंदर कमांड मैप के बारे में। यह दोस्तों एक तरीके का लर्निंग ऐप है जिसको आप फ्यूजन 360 के अंदर यूज कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर जो है आप ये देख सकते हैं कि आप कौन कौन से कमांड जो है फ्यूजन 360 के अंदर बेसिकली यूज करते हैं। आप ओल्ड टाइम के अंदर जाकर के भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो आज कमांड यूज कर रहे हैं फ्यूजन 360 के अंदर 3D मॉडलिंग के लिए, वो भी आप यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पे आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग बंदे हैं या फिर जो सर्टिफाइड यूजर हैं, वो कौन कौन से कमांड जो है फ्यूजन 360 के अंदर यूज करते हैं। बेसिकली फ्रेंड, कमांड मैप को यूज करने के लिए आपको जो है एक प्लगइन जो है फ्यूजन 360 के अंदर जो यूज करना है उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिए फ्रेंड आपको क्रोम ब्राउजर पर जाकर के लिखना होगा फ्यूजन 360 प्लगइन। उस प्लगइन को जो है आपको डाउनलोड करके यूज करना होगा फ्यूजन 360 के अंदर, जहां पे जो है आप बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से जो है 3D मॉडलिंग सीख सकते हैं फ्यूजन 360 के अंदर जाकर के। इसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पे आपको जो है कमांड सीखने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। और इसके अलावा ये देख सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्टिफाइड यूजर हैं वो किस तरीके के कमांड जो है बेसिकली यूज करते हैं, वो आप उनसे डिस्कस भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं कि ये कमांड में बेसिकली कैसे काम करता है। तो गाइस, हम जो है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पर फ्रेंड सबसे पहले जो है आपको अपने फ्यूजन 360 सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लगइन जो है डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है कमांड मैप। तो उसके लिए फ्रेंड आपको गूगल पे सर्च करना होगा सबसे पहले फ्यूजन 360 प्लगइन्स। तो यहाँ पर फ्रेंड नीचे की तरफ आपको लिखा हुआ मिलेगा फ्यूजन 360 स्टोर प्लगइन्स एडऑन्स एंड एक्सटेंशन फॉर फ्यूजन 360। तो आपको यहाँ पर बस डायरेक्टली क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड आपके पास में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या करना होगा, आपको सबसे पहले सर्च करना होगा कमांड मैप। तो मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ सबसे पहले कमांड मैप। तो नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ आपको लिखा हुआ मिल रहा है कमांड मैप फॉर ऑटोडेस्क फ्यूजन 360। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्लिक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको ऊपर की तरफ लिखा हुआ मिलता है कमांड मैप फॉर ऑटोडेस्क फ्यूजन 360। आप यहां पर सबसे पहले क्लिक कर दीजिए। सो यहां पर फ्रेंड आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए ऊपर की तरफ आपको लिखा हुआ मिल रहा है कमांड मैप फॉर ऑटोडेस्क फ्यूजन 360। और यहां पर जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर इन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट भी आपको देखने के लिए लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये कमांड में बेसिकली वर्क करता है या यूज में आता है। तो आप यहाँ पर अलग अलग इनके जो है इमेजेस जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने स्क्रीनशॉट भी डाल रखे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर फ्रेंड आप जो है जो कमांड यूज कर रहे हो फ्यूजन 360 के अंदर, वो आपके लिए बेसिकली काफी ज्यादा ईजी हो जाता है सीखना जो कमांड आप बेसिकली यूज करते हैं, या फिर आप उन लोगों से डिस्कस कर सकते हैं जो दूसरे कमांड भी जो है फ्यूजन 360 के अंदर यूज करते हैं, जो कि एक सर्टिफाइड यूजर है या जो कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का वर्क करते हैं, उन बंदों से भी जो है आप डिस्कस यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं और यहाँ पर कुछ डॉट के निशान भी आपको शो होते हैं। तो ये मैं फ्रेंड आपको अपने फ्यूजन 360 सॉफ्टवेयर में ले जा करके इसके बारे में बताने वाला हूँ। इसके बारे में जो है ये कैसे वर्क करता है उसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ये ऑलरेडी मैं अपने फ्यूजन 360 के अंदर डाउनलोड कर चुका हूँ, इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो चलिए फ्रेंड अब हम आ जाते हैं अपने फ्यूजन 360 सॉफ्टवेयर के पास। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि हम जो है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर है और यहाँ पर मैंने जो है कमांड मैप कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पर खोल कर रखा है आपके लिए। इसको आप जो है फ्यूजन 360 जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फ्यूजन 360 हमारा बेसिकली सॉफ्टवेयर है वो 3D मॉडलिंग के लिए यूज होता है। दोस्तों आप जो है फ्यूजन 360 के अंदर जो है कमांड मैप को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फ्रेंड आपको जो है फ्यूजन 360 के प्लगइन को डाउनलोड करना पड़ेगा अपने फ्यूजन 360 के अंदर। वहां पर भी जो है आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड वहां पर जो है काफी छोटा दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने आपको जो है इस पूरे कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जा करके अपने जो कमांड मैप है इसका इंटरफेस आपको यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। दोस्तों इसको हम बेसिकली ऑटोडेस्क का लर्निंग इंजन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर के आप जो है काफी ज्यादा कमांड दूसरे जो है सीख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको एक सर्कल शो होता है। ये सर्कल ही फ्रेंड बेसिकली कमांड मैप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे स्केचिंग, शीट मेटल, स्कूल पट, सरफेसिंग मैश वगैरह।
दोस्तों ये सारी की सारी चीजें जो है हम फ्यूजन 360 के अंदर जब कोई मॉडल बनाते हैं तब यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये सारे जो ब्लू डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लू डॉट मैंने जो कमांड यूज किए हैं इस टाइम यानी कि इस मंथ के अंदर फ्यूजन 360 के अंदर, ये सारे के सारे डॉट उसी चीज को जो है यहाँ पर शो करते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पर जो स्केचिंग है वो यूज किए जो कि 40% मैंने यहाँ पर यूज किए है। इसके अलावा पार्ट मोल्डिंग मैंने 11% यहाँ यूज किए है। अगर मैं रेंडरिंग की बात करूँ तो 44% रेंडरिंग जो है मैंने यहाँ पर यूज की है। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक ग्राफ आपको शो होता है। ये ग्राफ ये शो करता है कि जो आप मंथली मॉडल्स बनाते हैं और उसके अंदर आप जो कमांड यूज करते हैं ये यहाँ पर उस ग्राफ को बेसिकली शो करता है। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे आप जो है इस पूरे के पूरे कमांड मैप को जूम आउट जूम इन करके भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ प्लस के निशान पर साइन क्लिक करते हैं तो ये आपका जूम इन हो जाएगा, और अगर आप इस माइनस साइन पर क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली आपका जूम आउट यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर सबसे अच्छी चीज आपको ये मिल जाती है कि अगर आपको कोई कमांड समझ में नहीं आता है तो आप दूसरे लोगों से यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्यूजन 360 है वो बेसिकली हमारा जो यूज होता है वो एक इंटरनेट बेस्ड सॉफ्टवेयर है। यानी कि यहाँ पे आप जो है फ्यूजन 360 को ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड एक और चीज यहाँ मिल जाती है आपको कि जो ऑटोडेस्क सर्टिफाइड यूजर है, जो मैकेनिक्स है, जो मैकेनिकल इंजीनियर है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स है, वो बेसिकली किस किस कमांड को ज्यादातर यूज करते हैं वो भी आप यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले आपको सेलेक्ट इंडस्ट्री पे आना है। यहाँ पे आपको मैकेनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स और ऑटोडेस्क सर्टिफाइड यूजर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ऑटोडेस्क सर्टिफाइड यूजर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ जो आपको ब्राउन डॉट दिखाई देते हैं वो बेसिकली ये शो करते हैं जो ऑटोडेस्क सर्टिफाइड यूजर है वो किस कमांड को सबसे ज्यादा यूज करते हैं फ्यूजन 360 के अंदर, जो कि एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्केचिंग को ज्यादा यूज किया जाता है, उसके बाद पार्ट मॉडलिंग को यूज किया जाता है, और इसके अलावा जो दूसरे कैन और ड्राइंग ड्राफ्टिंग असेंबली जो है इनको यूज करते हैं ऑटोडेस्क सर्टिफाइड यूजर। लेकिन अगर जब हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स के ऊपर तो ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं कैम को, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स होगा वो बेसिकली उस मॉडल को कहीं ना कहीं आप प्रोड्यूस करेगा, तो वो जो है यूज करते हैं कैम को यानी कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग को। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कंपेयर भी कर सकते हैं और उन लोगों से डिस्कस भी कर सकते हैं जो दूसरे मॉडल, जो दूसरे कमांड यूज करते हैं और जो कमांड आपको नहीं आते। और इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर आपको और भी सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि ये सारे कमांड आपको मिलते हैं। सपोज कीजिए कि आपको इसमें से मोशन लिंक को सीखना है, अगर आपको मोशन लिंक नहीं आता है तो आपको बेसिकली यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको जो मोशन लिंक वाले जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको कई सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल हो जाते हैं जिनको यूज करके जो है आप काफी इजी तरीके से मोशन लिंक सीख सकते हैं। तो यहाँ पे सारी लिस्ट आपको कमांड की दी जाती है, इनमें से अगर आपको कोई कमांड समझ में नहीं आता है तो वो कमांड आप यहाँ पे क्लिक करके उन सारे ट्यूटोरियल्स को लर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड पूरा का पूरा इंटरफेस में जो कमांड मैप है इसमें सिर्फ यही चीजें दी गई हैं, और आने वाले टाइम में यहाँ पर फ्रेंड आपको और भी कई सारी अपडेट चीजें भी मिल जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए।